नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत एक चोरी का मामला उजागर हुआ है, जहां तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ई रिक्शा ड्राइवर का ई रिक्शा चार्जर समेत चुराया गया है, जहां पेट्रोलिंग के दौरान नंदनवन पुलिस ने अपराधियों को हिरासत में लिया है। कल रात ई रिक्शा ड्राइवर नितेश सावंत अपनी ई रिक्शा को चार्जिंग पर लगाकर सोने गया, जहां चार्जिंग पर लगी ई रिक्शा अज्ञात तीन चोरों द्वारा चुराई गई। जब नितेश सुबह उठा तो ई रिक्शा चार्जर समेत गायब हो गई थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए नितेश द्वारा नंदनवन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए नंदनवन पुलिस द्वारा कार्रवाई आरंभ की गई। इस बीच रात के समय गश्त करते वक्त नंदनवन पुलिस की टीम को तीन लोग ई रिक्शा को धक्का देते हुए नजर आए थे, जहां शक के बिना पर संबंधित व्यक्तियों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उनके असंतुष्ट जवाब द्वारा स्पष्ट हुआ कि वह झूठ बोल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा तीनों को हिरासत में लिया गया और आगे की जांच जारी है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविन्द्र नाइकवाड़ ने। इसमें इस प्रकरण की बात ऐसी है, प्रीतेश सावंत करके थ्री व्हीलर ई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति है, वो रात को चार्जिंग के लिए गाड़ी को रात भर चार्जिंग करते और दूसरे दिन चलाते हैं, तो रात को उसने चार्जिंग के लिए लगा के रखा था और ये बाहर था और ये लोग घर में अंदर सो गए, तो रात दरमियान किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके ई रिक्शा की बैटरी और चार्जर दोनों चीज़ें चोरी करके लेके गए। तो इन्होंने तुरंत नंदनवन पुलिस स्टेशन में आके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। हमारे यहाँ पर जैसी जानकारी मिली, हमारा डीबी पथक प्रोएक्टिवली शुरू हो गया तपास के लिए और दिन भर हमने पूरे रिकॉर्ड के आरोपी, इस टाइप के चोरी करने वाले लोग, नंदनवन, सक्करदरा, सभी आसपास के पुलिस स्टेशन के आरोपियों की छानबीन करना चालू किया। तो पेट्रोलिंग के दरमियान रिंग रोड पे एक रिक्शा ऑटो जो रहता अपना नॉर्मल, वो धक्का मार के लेके जा रहे थे, तो थोड़ा सा ऐसा संशय हुआ उनके ऊपर, उसके ऊपर से उनको चेक किया गया। चेक करने के बाद में वो उनके जो जवाब थे वो कुछ सही ढंग से बता नहीं रहे थे कि कहाँ से आ रहे, किधर जा रहे, क्या। तो तुरंत हमारे लोगों ने उनको ऑटो की भी झड़ती लिया, तो ऑटो की झड़ती लिया तो वहाँ पर दो बैटरीज मिली, तो बैटरीज के बारे में पूछताछ किए तो वो भी सही जवाब नहीं दे पा रहे, तो तुरंत उनको हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन नंदनवन यहाँ पर लाकर और अधिक पूछताछ करने के बाद में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं आरोपियों ने ये रिक्शा की बैटरी और चार्जर चोरी किया ऐसा निष्पन्न हुआ। उनको तुरंत हमने हिरासत में अरेस्ट किया और PCR और बाकी की तपास आगे चालू है। एक सुमित लांजेवार है, ईश्वर नगर का रहने वाला, और एक निर्मल एक्का करके है, ये मूल उमरेड का रहने वाला है, लेकिन ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और रिकॉर्डेड है, पुराने रिकॉर्ड भी इनका मिल रहा है कुछ थोड़ा बहुत, तो उनके ऊपर हम अच्छे से प्रतिबंधक कार्यवाही भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।